तो गाइज कैसे हैं आप सब। आज मैं वॉक थ्रू आपको कराने वाला हूं। ये एक पुरानी बिल्डिंग है गाइज, जिसको रिनोवेट किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है ये, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। आप जो वॉल है इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो अभी प्लास्टर कर दिया गया है ऊपर से, लगभग 20 mm का प्लास्टर है ये। और इसकी आप वॉल की थिकनेस आप देख सकते हो। एक ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जो मिट्टी और सुरखी जो होती थी ना, उसका मसाला बना करके आप देख सकते हैं। मसाला बना करके इसको कास्ट किया। देखिए, जब आप मिट्टी यूज करते हैं तो थिकनेस बढ़ानी पड़ती थी उस समय, ठीक है, वॉल की। अब जो है सीमेंट और सैंड का मोल्टार जो यूज होता है, तो उससे हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाती है। इस वजह से हम 9 inch और 4 inches के थिकनेस का दे देते हैं वॉल। नहीं तो पहले आप जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाय है। और यहाँ पर जो भी काम हुए थे अनसेंट, मतलब टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुराने हो, वजह से थोड़ी सी इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसको थोड़ा रेनोवेशन का काम जो है किया जा रहा है। तो मैं बात करता हूँ थिकनेस ऑफ वॉल की। यहाँ पर आप अगर इस बिल्डिंग को हटा करके, जैसे अगर मैं बात करूँ जितने इसमें ईंटें निकलेंगी, उससे इस टाइप की बिल्डिंग लगभग 2 से 3 बिल्डिंग बन जाएंगी। इतनी ज़्यादा थिकनेस है इस वॉल की, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। कंपेयर करके आपको मैं दिखाऊँगा। ये कमरे हैं इनके, ठीक है, 4 feet का जो है आपका ये दरवाज़ा है। आप ये देखिए थिकनेस, देखिए वॉल की थिकनेस दिख रही है ना। ये इस वजह से इसकी थिकनेस यहाँ पर है क्योंकि इसमें जो चुनाई हुई है पुरानी टाइम में, वो मिट्टी की चुनाई हुई है। मिट्टी मतलब यूज की गई थी मिट्टी, और उसके साथ जो भी ईंट की जो राख, वो कहते हैं ना सुरखी जिसको रेड कलर का बोलते हैं, राबिश जिसको बोलते हैं, वो यूज किया गया है, मिला करके बनाया गया है मसाला, उससे जुड़ाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, देखिए देखिए ये खिड़की है यहाँ की, ये खिड़की आप देख सकते हैं। देखिए अभी इसके जो स्लैब है उसकी कास्टिंग के लिए आज काम चल रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्लैब की कास्टिंग के लिए काम चल रहा है। ये देखिए कास्टिंग स्टार्ट हो रही है। और इसकी मैं स्लैब की मैं पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपको ये मोटी मोटी जो वुड की जो है लकड़ी की बीम्स सपोर्ट दी गई है टेपर, और उसके साथ ऊपर से उसके सपोर्ट मतलब जो है सटरिंग के साथ पतली पतली जो है थिकनेस की आपको यहाँ पर दिया गया है लकड़ी का, जिसको ये सटरिंग जो आपको दी गई वो परमानेंट सटरिंग होगी। इसको हटाना नहीं है, मतलब ये परमानेंट रहने वाली है। इसलिए जो थिकनेस दी जा रही है छत की, जो स्लैब है उसकी थिकनेस अबाउट 75 mm दिया जा रहा है, जिससे नीचे से अगर देखें हम उसको 4 inch भी दे सकते हैं, मतलब अबाउट 102 या 100 mm हम इसको दे सकते हैं। लेकिन देखिए पैसा उसमें भी लगेगा, और स्ट्रेंथ से उससे ज़्यादा मतलब, क्योंकि इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनने वाली है। और जब नीचे से हमारा इतना अच्छा सपोर्ट है, तो हम ज़्यादा थिकनेस दे करके उसमें पैसा क्यों खर्च किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो इसके वाटर प्रूफिंग की बात अगर करें, तो इसमें डॉक्टर फिक्सिट जो है ऐड किया जाएगा। डॉक्टर फिक्सिट आप यूज कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग में। जैसे 50 kg की बोरी होती है सीमेंट की, उसमें 200 mL आप यूज करेंगे जब भी मसाला बनेगा। और मसाले की अगर बात करूँ, जो यहाँ पे कंक्रीट मिक्स यूज करेंगे, वो M20 यूज करने वाले हैं। जो M20 का ग्रेड होता है उसको हम यूज करेंगे। M20 अगर आप नहीं जानते हैं क्या होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो वीडियो है उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से आप जो भी ग्रेड होते हैं सीमेंट के, मतलब कंक्रीट के जो भी ग्रेड्स होते हैं, वो यूज मतलब देख सकते हैं वहां से आप जा करके, या तो आई बटन पर आपको वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता चल। देखिए जनरेटर स्टार्ट हो गया गाइस, मतलब मिक्सिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर कास्टिंग की तैयारी हो रही है। तब तक मैं आपको सैंड और एग्रीगेट और सीमेंट की क्वालिटी दिखाता हूँ। जब भी आप साइड पर जाते हैं, सीमेंट है ये आपका सैंड है गाइस, इसको चेक करने का अच्छा तरीका यह है कि इसको पहले आप एक मिट्टी में उठाइए और अच्छे से इसको अपने हाथों में रगड़िए। रगड़ने के बाद अगर ज़्यादा मिट्टी आपके हाथों में लग जाती है, मिट्टी मतलब येलो येलिश कलर की आपकी मिट्टी दिखेगी,
समझ लीजिए कि मिट्टी का कंडेंसेट मतलब ज़्यादा है, नहीं तो सेंट तो ये ठीक है, अभी सेंट ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौन सी ग्रेड का सीमेंट है ये, पीपीसी है, पोर्टलैंड पोचलोना सीमेंट। अच्छा इसे में ग्रेड ज़्यादा आता नहीं है पीपीसी सीमेंट में, पीपीसी सीमेंट का ग्रेड नहीं होता, पता है आपको याद, पीपीसी सीमेंट का ग्रेड 33 में कहते हैं लोग, लेकिन पीपीसी में आता नहीं, जैसे वो कुछ हाँ नहीं करेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी, समझ रहे हैं, बस इसकी शटरिंग टाइम थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाँ पोजोलोना होता है तो क्या हो गया, शटरिंग टाइम इसकी बढ़ा दी जाती है, बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये वही ना ये टाइम हमें यूज, हाँ लो हीट सीमेंट होता है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इसको स्लैब में यूज करना है ना, तो आप क्या करेंगे ना कि थोड़ी जैसे उसको आप नॉर्मली 14 दिन दे दिए, 10 से 14 दिन देते हैं ना, इसको लगभग 3-4 दिन और एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए सूखने के लिए, और इसमें जो है उतनी ज़्यादा क्वेरिंग की भी मतलब ज़्यादा तराई की जरूरत नहीं पड़ती इस सीमेंट को, इसलिए ज़्यादा आजकल प्रेफर किया जा रहा है ये, थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है ये, टाइम लगता है 28 जैसे 28 डेज पे 53 ग्रेड का जो ओपीसी सीमेंट होता है वो लगभग 57 न्यूटन पर एमएम मेगा पास्कल देता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये इसका उससे ज़्यादा होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, सिंगल बिल्डिंग स्टोरी के लिए नहीं नहीं आजकल ये हर जगह यूज किया जा रहा है, ओपीसी का बहुत कम हो गया है काम, ओपीसी से अच्छा ये सस्ता भी पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता भी होता है, इकोनॉमिकल होता है, सबसे अच्छी बात ये टेपर है ना आपकी छत, ये टेपर होने की वजह से इसमें जो है केयरिंग वाली प्रॉब्लम, बांध रख कर बांध के मतलब हम रख नहीं सकते ना वाटर को, नॉर्मल प्लेन छत होती है तो हमने वो दे देती बाउंड्री दे करके पानी भर दिए, इसमें इनको देना पड़ेगा तराई जो करेंगे वो बह जाएगा पानी पूरा, इस वजह से पीपीसी है, इसमें ज़्यादा क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओपीसी होता तो इनको जुगाड़ बनाना पड़ता, पानी भरना पड़ता, ये देख सकते हैं एग्रीगेट का साइज भी ठीक है, ठीक है 20-25 mm के एग्रीगेट होगा, 1/4 या 1/5 करा जाता है जितनी थिकनेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है इस एग्रीगेट से, चलिए आप रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, 8-10 mm रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है, पाइप वाला काम चल रहा है, पाइप वाला आप ही करते हो ना हर जगह इनका, ये आपका 3 इंची 2.5 इंची 3 इंची कितनी हाइट है इसकी, 3 इंची इसकी, नहीं नहीं ये कह रहे हैं ये इसकी हाइट 2.5-3 लग रही है हमको, छत तक बाहर ना जाए, 3 इंच की छत है, ये टेपर छत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े करके कास्टिंग कर रहे हैं, इधर अभी सरिया नहीं बांधा गया है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये पुरानी छत को नया किया जा रहा है, आइए आपको इधर दिखाते हैं, ये देखिए ज़्यादा मोटी छत नहीं है, 3 इंच की छत है, क्योंकि इसके नीचे से भी सपोर्ट दिया गया है, इसके नीचे से ही सपोर्ट है, देख रहे हैं आप, लकड़ी नीचे से है जब बीम काम करेगी है, और अभी इधर सरिया बांधना काफी, और ये जो आपको दिख रहा है शटरिंग, ये परमानेंट है शटरिंग गाइस, ये परमानेंट शटरिंग आपको जो है ये लगी रहेगी, इसको निकालनी नहीं, इसलिए इसको 3 इंची का छत दिया जा रहा है, इसको अच्छा खासा सपोर्ट नीचे के, अभी मैं नीचे से भी दिखाऊंगा, देख लीजिएगा
इस वजह से इसको ये हमारा आपका रेनफोर्समेंट दिख रहा है 6 इंच का लगभग है, 5 से 6 इंच का है। ये आपको दिख रहा है एज अ बीम लकड़ी जो दिख रही है। इसका जो कंक्रीटिंग करना है वो लगभग हमारा 20 का मसाला होगा, मतलब जो कंक्रीट बनेगा M20 डॉक्टर फिक्सिड जो है इसमें डाला जा रहा है वाटर प्रूफिंग के लिए, जबकि ये डायरेक्ट एक्सपोजर में रहेगा सनलाइट और वेदर के, इसलिए जो है डॉक्टर फिक्सिड इसमें आप भी डलवा सकते हैं ऐसे छत में, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अगर 200 mm में मतलब 50 kg सीमेंट में 200 mm देख रहे हैं आप, सही है मान। ये दीवार है यहाँ पर कोने में, हाँ जी ये दीवार है। तो गाइज आप देख रहे हैं डॉक्टर फिक्सिट जिसको हम यूज करेंगे अभी कंक्रीट बनाने में, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए जय हिंद।